हेलो स्टूडेंट, रमन सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं आर के रमन बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, यूपी आरवीएनएल टीजी 2 की जो वैकेंसी अभी आई हैं, अभी खैर इनका फॉर्म तो भरना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी से लिंक ओपन हो जाएगा। इसमें एक ऐसी मिस्टेक है जो आप लोगों के सिलेक्शन में बाधा डाल सकती है, और जितने भी बिंदु मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, ये मेरे 11 साल के टीचिंग अनुभव के आधार पर है। मैंने हमेशा ये देखा है कि जो विद्यार्थी इलेक्ट्रीशियन यानी जो विद्यार्थी आईटीआई करते हैं या डिप्लोमा करते हैं या वो इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से रहते हैं, तो वो नॉन टेक को हल्के में लेकर चलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यूपी आरवीएनएल टीजी 2 में जो ये तीन चीजें हैं, ये मात्र 50 अंक की आएगी, ये सच है। और जो टेक्निकल नॉलेज है हमारी, जो टेक्निकल है, ये 150 मार्क्स का आएगा। ज्यादातर विद्यार्थी एक मिस्टेक ये करते हैं कि वो लगातार टेक्निकल को समय देते रहते हैं और नॉन टेक को समय नहीं देते, और नॉन टेक को ये सोच के चलते हैं कि इसका वेटेज तो बहुत कम है। आपको थोड़ा सा यहाँ विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। आप ये ना सोचें कि टेक्निकल 150 है और नॉन टेक 50 है। आपको सोचना यह है कि पूरे नंबर 200 हैं जिनमें से आपको अधिकतम स्कोर करना है। कुछ बच्चे मुझे बोल भी रहे हैं कि सर, नॉन टेक तो हम तब पढ़ेंगे जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा। देखिए, तब आप अगर नॉन टेक पढ़ते हैं तो आपके उतने अच्छे स्कोर नहीं आ सकता। जैसे अगर हम बात करें सामान्य हिंदी, इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है, रीजनिंग अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जीएस में ये मानकर चलो कि लगभग 60% तक, 50%, 60% तक स्कोर किया जा सकता है, यदि आप थोड़ी सी मेहनत करें। एक चीज और है, ये भी ध्यान देंगे कि आप अगर ये मानकर चल रहे कि 3 महीने का समय है, तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें कि पहले 1 महीना इसे पढ़े, फिर 1 महीना इसे पढ़े, फिर 1 महीना इसे पढ़े। आपको करना ये है कि प्रतिदिन आपको एक समय निर्धारित करना है। प्रतिदिन आपको नॉन टेक्निकल के विषयों को भी समय देना है, यानी कि प्रतिदिन आपको 50 अंक के लिए भी पढ़ना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर, हम कितना समय दें? देखिए, यदि आप एक उदाहरण लेते हैं, यदि आप टेक्निकल को 5 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो फिर नॉन टेक को आपको 2 घंटे देना चाहिए। आपको नॉन टेक के लिए अलग से अतिरिक्त 2 घंटे बिल्कुल देना चाहिए। आपको एक चीज बता दूं, हमें 200 में से मेरिट में आना है। कहां 200 नंबर जो है, जो 200 मार्क्स है, हमें इन 200 मार्क्स में से मेरिट में स्थान बनाना है, ना कि 150 में से बनाना है। तो इन 200 में से तभी मेरिट में नंबर आएगा जब आप लोग नॉन टेक्निकल में भी अच्छा स्कोर करेंगे। और आपको एक चीज बता दूं, सिलेक्शन में आधा आधा नंबर बहुत कीमती होता है विद्यार्थियों। बाद में पछताने से अच्छा है कि इस बात को अभी से सीरियस लेकर चलो, और ऐसी गलती मत करिएगा कि हम तो बाद के 15 दिन नॉन टेक पर फोकस करेंगे और बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। रीजनिंग में डेली प्रतिदिन एक चैप्टर खत्म करिए। सामान्य ज्ञान में डेली के कुछ ना कुछ टॉपिक को स्टडी करिए। अभी नेक्स्ट एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि सामान्य ज्ञान का
ये क्षेत्र ऐसा है जैसे पढ़ने से अच्छे अंक आने का चांस ज्यादा है। सामान्य ज्ञान के कौन से टॉपिक को पढ़ें, कौन से टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं, रीजनिंग में क्या करना है नहीं करना, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सचेत करना चाह रहा हूं विद्यार्थियों, कि बाद में पछताना पड़े इससे पहले अभी जागने का समय है, अभी मेहनत करने का समय है। यदि आप टेक्निकल को समय दे रहे हैं तो नॉन टेक्निकल को भी आपको समय देना जरूर चाहिए। आधा आधा नंबर, एक एक नंबर कीमती है, इसीलिए इस चीज को, इन बातों को, कही गई जो मेरे द्वारा कही गई बातें हैं, इनको सीरियसली लेना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऐसी ही वीडियो, जानकारी वाली वीडियो, आपको सतर्क करने वाली वीडियो, आपके फॉर्म से संबंधित वीडियो इस चैनल पर मैं देता रहूंगा। शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो बाबा केदारनाथ की जय।